गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, मतलब बहुत छोटी होगी, बिकॉज आई हैव टू अर्जेंटली रश फॉर सम इमरजेंसी। तो आज का जो शॉर्टफॉल है, कभी 5-6 क्लास बाद कवर कर लेंगे। ओके, आपके कुछ कॉमन डाउट्स आ रहे हैं फेसलेस अपील में। फेसलेस अपील पेज 196, मैं सारे डाउट्स एड्रेस करता हूं। सपोज मेरी रिटर्न इनकम थी 50 लाख और ईओ ने 143.3 में एडिशंस कर दिए 20 लाख, इनकम असेस कर दी 70 लाख। सो पेज 196 पर आप अब चले गए सीआईटी अपील्स में अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ। जो पेज 196 पे पॉइंट आई है, पॉइंट आई, वो तब लगेगा जब अपील यूनिट जो है, अपील यूनिट इनकम को 70 लाख से भी ऊपर बढ़ानी चाहता है, यानी सीआईटी अपील्स को कुछ 10 लाख की और इनकम मिल रही है। अपील यूनिट को 10 लाख की और इनकम मिली है तो पॉइंट नंबर आई लगेगा। सो पॉइंट आई है कि जहां अपील यूनिट इंटेंड्स टू एनहेंस द असेसमेंट, एनहेंस द पेनल्टी जो एओ ने लगाई थी, या रिफंड रिड्यूस कर रहा है, उस केस में शो कॉज नोटिस दिया जाएगा असेसी को। और ये शो कॉज देंगे किसको? नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को, जो फॉरवर्ड करेगा अपलैंड को। और अपलैंड फिर रिप्लाई देगा अपना नेशनल फेसलेस सेंटर को, फेसलेस अपील सेंटर को, और नेशनल फेसलेस अपील सेंटर फॉरवर्ड करेगा टू द अपील यूनिट। क्लियर है बात? पॉइंट जे कब लेगा ड्राफ्ट ऑर्डर? ड्राफ्ट ऑर्डर अगर एओ ने इनकम 20 लाख से ऊपर बढ़ा दी, ठीक है, अपील यूनिट शोकॉज कब देगा? अगर वो इनकम 70 लाख से भी ऊपर इंक्रीज करना चाह रहा है। सीआईटी पील्स अगर When associate appeals means appeal unit, इनकम 70 लाख पर ही रखना चाहता है, यानी वो कहता है जो एओ ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, या फिर उसमें से 15 लाख की डिलीशंस करना चाह रहा है, या फिर इनकम 10 लाख से बढ़ाना चाह रहा है। सो केस वन कि अपील यूनिट कहता है कि इनकम बिल्कुल सही असेस हुई है, मैं भी इनकम 70 लाख ही रखता हूं, यानी एओ के एडिशंस को अफर्म कर देता है। केस टू, अपील यूनिट 15 लाख के एडिशंस डिलीट कर देता है। या केस थ्री, अपील यूनिट 10 लाख से इनकम और बढ़ाना चाहता है, तो 10 लाख से ऊपर इनकम और बढ़ाना चाह रहा है तो पॉइंट आई लग जाएगा, शो कॉज देगा ससी को। ड्राफ्ट ऑर्डर इन तीनों केस में पास होगा। सो थर्ड केस में ससी को सुना जाएगा कि 10 लाख के हम एनहेंसमेंट क्यों ना करें अपील यूनिट, और तीनों केस में ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास होगा। सो तीनों केस में, तो जो ड्राफ्ट ऑर्डर है इट इज फॉर ऑल द थ्री केसेस। सो अपील यूनिट, सो ये पॉइंट जे के इज नॉट ओनली फॉर पॉइंट आई, इट्स जनरल। सो ड्राफ्ट ऑर्डर इन तीनों केसेस में पास होगा, जहां अपील यूनिट एडिशंस अफर्म कर रहा है, डिलीट कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है।
So appeal unit, after considering all the facts collected and any matter arising out of the proceedings in which order appealed against was passed, not standing that such matter was not raised in the appeal, prepare a draft order and send the same along with the details of penalty proceeding to be initiated to National Faceless Appeal Center. So draft order tino case mein banaya jayega. Ab next point mein hai ki amount of tax, penalty, interest, fee disputed in the appeal. देखिए डिस्प्यूटेड क्या है, यहां पर जो 20 लाख पेटिशंस हुए इस पर जो टैक्स निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा, फी इफ एनी एंड पेनल्टी, दैट इज अ डिस्प्यूटेड अमाउंट. सो इन तीनों केसेस, इन दो केसेस में डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या हो गया, जो 20 लाख के एडिशन है वो इस पर टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी. और थर्ड केस में डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या हो गया, 30 लाख, 20 लाख जो इन्होंने ऐड किए थे, 10 लाख सीआईटी पे डिस्प्यूट कर रहा है. सो 30 लाख इज द डिस्प्यूटेड, 30 लाख पे जो टैक्स बनेगा, इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह बनेगी, दैट इज द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ऑन द डिस्प्यूटेड अमाउंट. सो आई क्लेरिफाई, इन तीनों केसेस में ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया जाएगा. पॉइंट के बात कर रहा है डिस्प्यूटेड अमाउंट. डिस्प्यूटेड अमाउंट इज इन दो केस में एयू ने डिस्प्यूट किया 20 लाख पर, तो जो 20 लाख पर डिमांड निकाली गई है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस की, That is the disputed amount of tax, interest, penalty. और थर्ड केस में disputed amount क्या है, 20 लाख एयू डिस्प्यूट कर रहा है, 10 लाख सीआईटी डिस्प्यूट कर रहा है, 30 लाख पर टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड फीस. अच्छा, अब पॉइंट के ये कह रहा है कि disputed amount of tax, interest, penalty अगर specified amount से exceed करता है तो रिव्यू के लिए भेजा जाएगा. तो इन तीनों केसेस में अगर जो डिस्प्यूटेड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी है स्पेसिफाइड अमाउंट से एक्सीड कर रही है, स्पेसिफाइड अमाउंट क्या होता है ये इन्होंने भी बताया नहीं, इंटरनल इनका, यानी नेशनल फेसलेस अपील सेंटर ने फिक्स किया है व्हाट इज द डिस्प्यूटेड स्पेसिफाइड अमाउंट, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिस इज 10 लाख, कहीं लिखा नहीं है, but I'm given to understand it's 10 lakh. So agar disputed tax, penalty, interest, fees 10 lakh se upar hai in teeno cases mein, to humne kiya tha appeal unit A ne draft order banaya tha, ab appeal unit B ko bheja jayega review ke liye, theek hai. In teeno cases mein agar disputed amount of tax, penalty, interest is equal to or less than the specified amount in my, what I said, 10 lakh, तो National Faceless Appeal Center उसे accept कर सकता है draft order को या फिर review के लिए भेज सकता है. अब देखिए clear हो जाएगा. So point J के general है सभी cases के लिए, यानी इन तीनों cases में point J and K लगेगी. This was the confusion. On the receipt of the draft order, the National Faceless Appeal Center, where the aggregate amount of tax, penalty, interest fee disputed in the appeal is more than the specified amount, agar 10 lakh se upar hai, jo maine kaha ki mere hisab se notified amount 10 lakh hai specified amount abhi tak notify nahi kiya hai, internal inki figure hai. या फिर इक्वल टू या लेस देन द स्पेसिफाइड अमाउंट है, तो अगर ज्यादा है फिर तो रिव्यू के लिए भेजेंगे दूसरे यूनिट बी को, और दूसरा यूनिट बी अगर कहते हैं जी बिल्कुल ठीक ऑर्डर पास हुआ है, ड्राफ्ट ऑर्डर ठीक है, फिर तो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगी. और अगर अपील यूनिट बी कहते हैं जी मैं
अपील यूनिट ए के ऑर्डर से सहमत नहीं हूं, एग्री नहीं करता, फिर असाइन करेगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर इस अपील को टू एनदर अपील यूनिट सी इन एनदर रीजनल फेसलेस अपील सेंटर। ठीक है, और अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट इज इक्वल टू लेस देन द स्पेसिफिक अमाउंट, वो कह सकते ऑर्डर पास कर रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक है ये, या फिर रिव्यू के लिए भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट पेज, दैट पेज 198, द थर्ड अपील यूनिट आफ्टर शेल आफ्टर कंसिडरिंग सच सजेशंस फॉर वेरिएशंस प्रिपेयर अ रिवाइज्ड ड्राफ्ट ऑर्डर एज पर द प्रोसेस गिवन इन क्लॉज आई एंड क्लॉज जे एंड सेंड इट टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर। और अगर थर्ड अपील यूनिट सी भी कहता है कि इनकम 70 लाख से ऊपर है, फिर से शो कॉज देंगे एसएससी को, उसका रिप्लाई सुनेंगे और ड्राफ्ट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। बाकी दो केसेस में क्या नाम, रिव्यू यूनिट सी अपना ड्राफ्ट ऑर्डर बना देगा विदाउट गिविंग फर्दर शो कॉज टू द एसएससी। अब ड्राफ्ट ऑर्डर बना दिया, अब नेशनल फेसलेस अपील सेंटर शैल फाइनलाइज द ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द रिवाइज्ड ड्राफ्ट ऑर्डर, नो फर्दर रिव्यू इज पॉसिबल नाउ, एंड कॉम्युनिकेट द सेड ऑर्डर टू द अपलेंट एसएससी प्रिंसिपल चीफ सीआईटी प्रिंसिपल कमिश्नर नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एंड द AU। और जहां CIT अपील से इनकम बढ़ाई है या फिर कोई और पेनल्टी लगाना चाहता है CIT अपील, वो हम पेनल्टी के चैप्टर में देखेंगे। CIT अपील और कौन सी पेनल्टी लगा सकता है वो हम पेनल्टी के चैप्टर में देखेंगे। तो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सॉरी अपील सेंटर एक शो कॉज भी इशू करेगा एसएससी को कि बताइए हम पेनल्टी क्यों ना लगाएं जो रिकमेंड की गई है। द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इन चार्ज ऑफ एनी नेशनल फेसलेस अपील सेंटर मे एट एनी स्टेज ऑफ द अपील प्रोसीडिंग ट्रांसफर द अपील बाय एन ऑर्डर विद प्रायर अप्रूवल द बोर्ड टू सच कमिश्नर अपील्स एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। अगर इनको लगता है कि अपील फेसलेस नहीं सुनी जा सकती तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो इंचार्ज है उस नेशनल फेसलेस अपील सेंटर का CBDT का अप्रूवल लेकर फिजिकली अपील सुनने भेज देगा किसी CIT अपील्स को। एक डेवलपमेंट और हो, ये भी कराता हूं आपको, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स। अपील यूनिट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी नोटिस डायरेक्शन, ये सारी पेनल्टी हम करेंगे पेनल्टी के चैप्टर में। अगर आप नोटिस से कंप्लाई नहीं करते जो CIT पीस ने दिया, अपील यूनिट ने दिया, तो पेनल्टी लगाई जाती है। अपील यूनिट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी नोटिस डायरेक्शन और ऑर्डर ऑन पार्ट ऑफ द अपलेंट और एनी द पर्सन लाइक क्रेडिटर शैल सेंड रिकमेंडेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग्स टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर। तो ये ज्यादा आपको समझ में आएगा जब हम पेनल्टी करेंगे। नेशनल फेसलेस अपील सेंटर अपॉन रिसीट ऑफ द रिकमेंडेशन शैल सर्व अ शो कॉज नोटिस ऑन द एसएससी और एनी द पर्सन लाइक क्रेडिटर एज टू व्हाई द पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज अपॉन हिम फॉर वायोलेशन ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अपलेंट और अदर पर्सन विल फाइल रिस्पॉन्स टू द शो कॉज नोटिस एंड नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर टू असाइन द रिस्पॉन्स अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशंस ऑफ इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी टू एनी ऑफ द अपील यूनिट इन एनी ऑफ द रीजनल फेसलेस अपील सेंटर थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। अपील यूनिट टू कंसिडर ऑल मेटल ऑन रिकॉर्ड एंड प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑर्डर। सो आप अपील यूनिट पेनल्टी का ऑर्डर बना देगा ड्राफ्ट ऑर्डर, या फिर उसे अगर लगता है कि पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए ड्रॉप द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स
रीजंस देगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये ड्राफ्ट ऑर्डर भेज देंगे नेशनल फेसेस अपील सेंटर को, और नेशनल फेसेस अपील सेंटर फाइनल ऑर्डर पास कर देगा पेनल्टी का, रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। तो अगर जो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर ने ऑर्डर पास किया उसमें कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, उसे भी फेसलेस तरीके से ठीक किया जाए। पेज 199, रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर मे अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इट by an order in writing to rectify any mistake which is apparent from record in the order under section 250 passed by National Faceless Appeal Center. यहां application कौन दे सकता है? Assessee भी दे सकता है, AO भी दे सकता है, यानी National Faceless Assessment Center भी दे सकता है, और appeal unit खुद भी कह सकता है मिस्टेक है हमारी इनके ऑर्डर में। एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन मिस्टेक मे बी फाइल्ड विद द नेशनल फेसेस अपील सेंटर बाय असेसी अपीलेंट या अपील यूनिट जिसने प्रिपेयर किया था, रिव्यू किया था, रिवाइज किया था ड्राफ्ट ऑर्डर, या फिर एओ या नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। जहां असेसी एप्लीकेशन दे रहा है तो अपॉर्चुनिटी बींग हर्ट देंगे किसको? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को या एओ को। जहां अपील यूनिट कह रहा है रेक्टिफाई करना है, गलती है, तो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी किसको? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को और असेसी। और जहां एओ या नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर कह रहा है कि गलती है, तो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी किसको? असेसी को। द अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन बाय द अपील यूनिट टू होम नेशनल फेसलेस असेसमेंट अपील सेंटर असाइंस द एप्लीकेशन थ्रू AS। तो अब ये रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन असाइन कर देगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर टू एनी ऑफ द अपील यूनिट इन एनी ऑफ द रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। द अपील यूनिट शैल सेंड द नोटिस फॉर प्रोवाइडिंग सच अपॉर्चुनिटी टू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। ये जो ऊपर अपॉर्चुनिटी की बात की गई, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर टू सेंड नोटिस टू नफाक, EU, अपलेंट, जो हमने ऊपर किया। अब रिप्लाई आएगा, रिप्लाई किसको दी दे जाएगा? नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को, जो फॉरवर्ड करेगा किसको? अपील यूनिट को। और अपील यूनिट अब रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन कंस्ट्रक्ट करेगा, रिस्पॉन्सेज जो आए हैं असेसी के, ईओ के, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के, उसको कंस्ट्रक्ट करेगा और ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, या फिर ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा फॉर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन की रेक्टिफिकेशन बनती नहीं, और ये ड्राफ्ट ऑर्डर भेज देगा अपील यूनिट टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, जो फाइनल रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करेगा 154। एक रीसेंट सर्कुलर आया है कि कुछ अपील्स फेसलेस नहीं होंगी, ये अपील्स फिजिकली सुनी जाएंगी बाय CIT अपील्स, जहां सर्च एंड सीजर के केसेस है वहां फेसलेस अपील नहीं सुनी जाएगी, वहां CIT अपील्स को केस फिजिकल तरीके से असाइन होगा। जहां सीरियस फ्रॉड्स हुए हैं, जहां मेजर टैक्स इवेजन हुई है, जहां सर्च के इश्यूज हैं, जहां इंटरनेशनल टैक्स इन्वॉल्व है, जहां ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एसेट्स इन्वॉल्व हैं, वहां पर अपील फेसलेस नहीं होगी, वहां अपील सुनी जाएगी फिजिकली बाय CIT अपील्स। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए।
आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फेसलेस अपील स्कीम इनकम टैक्स अपील शैल बी फाइनलाइज्ड इन फेसलेस मैनर विद द एक्सेप्शंस ऑफ अपील्स रिलेटिंग टू सीरियस फ्रॉड्स मेजर टैक्स इवेजन सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स इंटरनेशनल टैक्स एंड ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स जो हम पेपर 6C में पढ़ेंगे. सो ब्लैक मनी एक्ट, सर्च एंड सीजर, इंटरनेशनल टैक्सेशन, मेजर टैक्स इवेजन और सीरियस फ्रॉड्स की अपील्स फिजिकली सुनी जाएंगी CIT बिल्स के द्वारा. और ये बोर्ड नोटिफाई करेगा कि कौन कौन से मैटर्स सीरियस फ्रॉड्स हैं, कौन कौन से मैटर्स में मेजर टैक्स इवेजन हुई है, कौन से सेंसिटिव मैटर्स हैं, ये बोर्ड नोटिफाई करेगा. फाइनेंस एक्ट 21 से अपील टू ITAT भी फेसलेस कर दी गई है. यहां सिर्फ सेक्शन डाला गया है जहां गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि गवर्नमेंट स्कीम लेके आएगी फॉर फेसलेस अपील टू ITAT. ये स्कीम अभी आई नहीं है, ये स्कीम आई नहीं है, सिर्फ इन्होंने पावर ले ली है कि हम फेसलेस अपील्स टू ITAT की स्कीम लेके आएंगे. और ये स्कीम लेके आएंगे बिफोर 31 मार्च 2023. सो ये इतना रेलेवेंट नहीं है, ये तो स्कीम आएगी. नेक्स्ट पेज 202 सेक्शन 264A लाया गया है जो कह रहा है कि रिविजन बिफोर द कमिश्नर अंडर सेक्शन 263-264 भी हम फेसलेस कर देंगे, इसके लिए स्कीम लिखे आएंगे. स्कीम अभी आनी है. सो रिविजन बाय कमिश्नर, अब क्या हो गया, रिविजन बाय कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, तो अब 263-264 भी फेसलेस किया जाएगा, इसकी स्कीम लेके आएंगे. इन्होंने पावर ले ली बाय एडिंग अ सेक्शन इन द इनकम टैक्स एक्ट, जरूरत नहीं करने की सब. इसी तरह से एक और सेक्शन लाया गया, एक होता ना अपील इफेक्ट, कि जब CIT पे ऑर्डर पास करता है, ITAT ऑर्डर पास करता है, हाईकोर्ट ऑर्डर पास करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करता है, तो AU उस ऑर्डर को अपने ऑर्डर को, तो अगर CIT पील्स, ITAT, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करते हैं तो AO क्या करता है, अपना ऑर्डर मॉडिफाई करता है एज पर द ऑर्डर्स ऑफ CIT पील्स, ITAT, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. तो ये अपील इफेक्ट भी अब फेसलेस तरीके से दिया जाएगा. सो यहां लिया ये कि जो हम अपील इफेक्ट देंगे इसकी भी स्कीम लेके आ रहे हैं फेसलेस की. तो ये सेक्शन छोड़ सकते हैं, सिंपली इन्होंने पावर ली है कि 263-264 और अपील इफेक्ट भी हम फेसलेस कर देंगे. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, एडवांस टैक्स. सो बेसिकली हम कवर करेंगे एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शंस 234A, B, C. देखिए इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते थे और मैं पिछले 10 साल से बोलता था कि जब भी क्वेश्चंस आएंगे फुल क्वेश्चंस आएंगे. और एग्जामिनर ने मेरी सुन ली, नवंबर 19 में पेज 250 पर इन्होंने पूरा क्वेश्चन दे दिया 14 मार्क्स का ऑन 234 ABC.
इससे पहले नवंबर 12 में क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का 234 एबीसी पर. सो एडवांस टैक्स एंड 234 एबीसी इंटरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं क्योंकि हम डे इन डे आउट प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं. तो मेरे हिसाब से एग्जामिनर कभी भी 10 नंबर का क्वेश्चन इस पर दे देगा. आपको आपने अपने ऑफिस में देखा होगा कि सीएस 234 एबीसी का इंटरेस्ट निकालने के लिए बार बार रेडी रेकनर्स को रेफर करते हैं. आप मेरी क्लासेस आज की, आज तो छोटी क्लास है, अगली दो क्लासेस प्रॉपरली कर लीजिए, आपको जिंदगी में कभी रेडी रेकनर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप 234 एबीसी इंटरेस्ट खुद निकाल लेंगे. स्टार्ट करते हैं पेज 205 एडवांस टैक्स. सो प्रीवियस ईयर 31 मार्च 22 असेसमेंट हो गया 22-23. इसका एडवांस टैक्स आपको कब पे करना होता है? इन प्रीवियस ईयर 31 मार्च 22 ही पे करना होता है. सो प्रीवियस ईयर 22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 का एडवांस टैक्स आपको प्रीवियस ईयर 22 में ही जमा करना होता है. अभी आप देखेंगे लिखा मिलेगा आपको कि 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 22 तक जो भी आप टैक्स पे करेंगे असेसमेंट ईयर 22-23 का, उसे हम एडवांस टैक्स मानेंगे. तो जो प्रीवियस ईयर में आप टैक्स पे करेंगे, प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/21 एंडिंग ऑन 31 मार्च 22, जो भी आप टैक्स पे करेंगे असेसमेंट ईयर 22-23 का, उसे हम कहेंगे, उसे क्या बोला जाएगा, इट्स एडवांस टैक्स. और जो आप पे करेंगे आफ्टर 31 मार्च 22 फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, वो होगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स. सो प्रीवियस ईयर 22 का एडवांस टैक्स आपको जमा करना होता है प्रीवियस ईयर 22 में. लॉ कहेगा भी कि जो भी आप टैक्स पे करेंगे 1/4/21 से 31 मार्च 22 तक असेसमेंट या 22-23 का, उसे हम एडवांस टैक्स कहेंगे. और अगर 31 मार्च 22 के बाद पे करेंगे, प्रीवियस ईयर के बाद पे करेंगे फॉर असेसमेंट या 22-23, देन दैट विल बी कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स. आपको एडवांस टैक्स कितना पे करना होता है, कब पे करना होता है? 15 जून. सो असेसमेंट ये 22-23, मुझे एडवांस टैक्स 15 जून को पे करना है पहली इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को, तीसरे इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर को और आखिरी इंस्टॉलमेंट 15 मार्च को. कितना? 15%, 45%, 75% एंड 100%. स्टार्ट करते हैं. एडवांस टैक्स इन रिस्पेक्ट, पेज 205. एडवांस टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन असेसमेंट ईयर इज पेएबल इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर. देयरफॉर फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 एडवांस टैक्स इज पेएबल इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 22. आप हर इंस्टॉलमेंट के वक्त पूरे साल का टैक्स एस्टिमेट करेंगे, उसका 15% पे कर देंगे पहले इंस्टॉलमेंट, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 45% तक जमा करेंगे. सो आपको हर ड्यू डेट पर अपने पूरे साल के टैक्स जो बनेगा वो एंटिसिपेट करना पड़ता है.
मुझे 15 मिनट एडवांस टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग द करंट ईयर इनकम। तो हर इंस्टॉलमेंट डेट को आप एस्टिमेट करेंगे पूरे साल की इनकम एंड देन अप्लाइंग द टैक्स डेट्स इन फोर्स। अब आप कहेंगे मुझे 15 जून को कैसे पता चलेगा मेरी पूरे साल की इनकम क्या है, क्यों नहीं मालूम है? आपको मालूम है पिछले साल इनकम क्या हुई थी, प्रीवियस 21 में क्या इनकम थी और 22 में क्या होनी है, एस्टिमेट तो लगा ही सकते हैं। एस्टिमेट गलत हो गया तो 234C पे करिएगा इंटरेस्ट, कुछ रिलैक्सेशन दे देंगे आपको, कुछ एरर करने की वो दे देंगे रिलैक्सेशन। एडवांस टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग द करंट ईयर इनकम एंड देन अप्लाइंग द टैक्स रेट्स इन फोर्स। एडवांस टैक्स निकालते हैं हम इनकम अंडर द 5 हेड्स ऑफ इनकम एस्टिमेट करते हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस अलाउंसेस कम करते हैं, जीटीए निकल जाएगी मेरी, चैप्टर 6 डिडक्शंस माइनस करते हैं, टोटल इनकम निकल गई, टैक्स ऑन टोटल इनकम निकाला आपने, सरचार्ज ऐड किया, टैक्स पेबल निकाल लिया, रिलीफ दे दिया 89 का, टैक्स लाइबिलिटी आ गई, हेल्थ एजुकेशन से ऐड कर दिया, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई, रिलीफ दे दीजिए सेक्शन 90, 91 रिलीफ करेंगे हम, मेट क्रेडिट माइनस कर दीजिए 115J, AMT क्रेडिट माइनस कर दीजिए 120AD, TDS। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, TDS माइनस करना पड़ता है। आप जब भी गलती करेंगे यहां करेंगे। सो एडवांस टैक्स निकालने के लिए आप TDS कम करते हैं, TDS TCS कम करते हैं। माई एडवांस टैक्स लाइबिलिटीज आफ्टर डिडक्टिंग द TDS। ये कह रहे हैं कि मुझे 15 जून 2021 को पूरे साल की इनकम एंटिसिपेट करनी पड़ती है। जो मुझे लॉटरी इनकम निकलेगी 31 मार्च 2022 को, क्या मुझे वो भी एंटिसिपेट करनी पड़ेगी? आंसर इज येस एट द मोमेंट, बट लॉ रिलैक्सेशन दे देगा, लॉ रिलैक्सेशन दे देगा, बट अभी तो लॉ कह रहा है आपको पूरे साल की इनकम एस्टिमेट करनी पड़ेगी। यानी अभी तो लॉ ये कह रहा है कि जो कैप गेन्स होंगे आपको मार्च 22 में, कैप गेन्स अनसर्टेन होते हैं, शेयर मार्केट बढ़ गई, लॉ कह रहा है नहीं जी आपको एंटिसिपेट करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लॉ रिलैक्सेशन देगा। तो अभी तो लॉ ये कह रहा है कि आपको एडवांस टैक्स निकालने के लिए पूरे साल की इनकम एस्टिमेट करनी पड़ेगी। लॉ अभी ये कह रहा है कि आपको जो मार्च में लॉटरी निकलेगी वो भी एंटिसिपेट करनी पड़ेगी, मार्च में जो कैप गेन्स होंगे वो भी एंटिसिपेट करने पड़ेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लॉ रिलैक्सेशन कर देगा इंटरेस्ट की, करेंगे प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है TDS माइनस करते हैं। एडवांस टैक्स से निकाला जाता है बाय डिडक्टिंग TDS। मेरे केस में क्या हुआ लास्ट ईयर, मेरा एडवांस टैक्स रफली 22 लाख शॉर्ट पड़ गया था, किसी गलती वजह से मैं पे नहीं कर पाया था। एक क्लाइंट से 25 लाख की फीस आनी थी, मैंने उस क्लाइंट से कहा मेरा 25 लाख का TDS काट ले। पॉसिबल है? यस। कम TDS काटने पर पेनल्टी लगती है आपको, ज्यादा TDS कटवा दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्लाइंट से कहा पूरा 25 लाख मेरा TDS काट ले, और फिर क्या हुआ, जो मेरा एडवांस टैक्स लाइबिलिटी थी उसमें से उसको निकालने के लिए 25 लाख कम किया गया, शॉर्टफॉल खत्म हो गई मेरी। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि TDS TCS माइनस करते हैं तो निकलता है मेरा एडवांस टैक्स। सो TDS TCS माइनस करिए, देन यू गेट द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। आपने देखो का सैलरीड क्लास लोगों को एडवांस टैक्स नहीं देना होता, क्यों नहीं देना होता? क्योंकि सैलरीड क्लास की अगर इनकम आ रही है
लेट से एक्स अमाउंट जिस पर टैक्स बन रहा है 50 लाख, उस पर पूरा टीडीएस कट जाता है 50 लाख पर, 50 लाख का टीडीएस कट गया, एंड देयरफॉर नो एडवांस टैक्स लायबिलिटी। सो टीडीएस माइनस करने के बाद निकलता है आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी। नोट वन नेक्स्ट पेज, एग्रीकल्चरल इनकम इज ऑल्सो एग्रीगेटेड फॉर रेट पर्पजेज फॉर डिटर्मिनिंग द एडवांस टैक्स लायबिलिटी। मैं आपको कराऊंगा कि एग्रीकल्चरल इनकम ऑल्दो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है, बट टैक्स रेट निकालने के लिए हम एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीगेट करते हैं, फिर रिलीफ देते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, उसको भी एग्रीगेट करते हैं टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए। अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी, पॉइंट थ्री देखिएगा, 10,000 या लेस आ रही है तो आपको एडवांस टैक्स नहीं पे करना। एन असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे, सो इट्स लेस देन 10,000। एन असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स इफ इज लायबिलिटी फॉर एडवांस टैक्स इज 10,000 रुपीज ऑफ मोर, तो मेरा टैक्स बनता है सपोज 20 लाख, मेरा टीडीएस कट गया 19,95,000, सो माई एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज 5,000। सिंस इट इज लेस देन 10,000, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एडवांस टैक्स। हाँ, ये कह रहे हैं कि जितने लोगों का शॉर्टफॉल हो जाता है एडवांस टैक्स का, वो टीडीएस ज्यादा कटवा लेते होंगे। यस, दैट्स अ प्लानिंग, दैट्स अ प्लानिंग, लीगल वे है बिल्कुल। मैंने बताया, मैंने अपने केस में क्लाइंट से 25 लाख की फीस आनी थी, जिस पे 10% टीडीएस कटा था, मैंने कहा पूरा टीडीएस काट दे 25 लाख, मेरा एडवांस टैक्स से डिफॉल्ट बच गया। ओके, आप जब कोर्स कंप्लीट करने वाले होंगे तो मैं आपको एमसीक्यू की किताब दूंगा, उन एमसीक्यूज को करेंगे आप तो हिल जाएंगे, आप पहली बार हिल जाएंगे, दूसरी बार कर लेंगे। इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू बनाया सिर्फ 2 नंबर का, एक इंडिविजुअल की 100 लाख की लॉटरी निकली, उसकी कोई और इनकम नहीं है, उसकी कोई और इनकम नहीं है, और आपसे पूछा गया कि क्या टीडीएस, अच्छा इस पर टीडीएस 30% डिडक्ट हो गया, लॉटरी में टैक्स 30% लगता है और 30% टैक्स डिडक्ट हो गया। अब आपसे पूछा गया कि क्या इस इंडिविजुअल को एडवांस टैक्स पे करना है, और इस क्वेश्चन में एक पार्ट और था, मैं तो अभी थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूं आपको, क्या व्यू है आपका। इस इंडिविजुअल की 100 लाख की लॉटरी इनकम निकली, इसकी कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ यही इनकम है, और पूरी इनकम पे टीडीएस कट गया, तो क्या इसको एडवांस टैक्स पे करना है। ये क्वेश्चन में 2-3 इश्यूज और थे, सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो देखिए क्या व्यू आपका। इधर देखिए, 100 लाख की लॉटरी पर टैक्स हो गया 30 लाख, 10% सरचार्ज हो गया, 10% सरचार्ज हो गया 3 लाख, 33 लाख, 4% सेस बन गया, कितना हो गया 33.4%, 1,32,000, 34.32, दिस इज अ टैक्स लायबिलिटी, और टीडीएस कितना कटा है 30 लाख, देयरफॉर एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज 4,32,000,
He is required to pay advance tax. He is required to pay advance tax. और इस क्वेश्चन में दो तीन इश्यूज और डाल दिए एग्जामिनर ने, जो हम एमसीक्यू जब करेंगे तब समझ में आएगा आपको। तो एमसीक्यू इतने आसान नहीं होते, वो आपकी पूरी जान ले लेते हैं, इन द सेंस पूरे कंसेप्ट टेस्ट कर जाते हैं। ओके, एक रिटायर्ड, आपके फादर रिटायर्ड है, ग्रैंडफादर रिटायर्ड है, एज है 70 इयर्स, 1 करोड़ की एफडीज है, 1 करोड़ की एफडीज है, तो जबरदस्त इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो क्या उनको एडवांस टैक्स पे करना होगा? देखिए, नोट टू इंपॉर्टेंट मार्क करिए, सीनियर सिटीजन को एग्जेम्पशन दे रहे हैं एडवांस टैक्स पे करने की, प्रोवाइडेड वो रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, एंड ही शुड नॉट हैव इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। सो पॉइंट टू इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इंस्टीट्यूट ने इस पर भी एमसीक्यू बनाया हुआ है। सो सारे एमसीक्यूज मैंने अपनी एमसीक्यू बुक में कवर किए हुए हैं। एडवांस टैक्स इज नॉट पेबल बाय एन इंडिविजुअल, एचयूएफ नहीं है यहां पर, इंडिविजुअल है सिर्फ, रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट होना मस्ट है, हु डज नॉट हैव इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। सो पीजीबी इनकम नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल, रेजिडेंट, एज ऑफ 60 इयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपका टैक्स अगर 20 लाख भी बन रहा है, आपको एडवांस टैक्स नहीं पे करना, प्रोवाइडेड रेजिडेंट है आप, प्रोवाइडेड यू डो नॉट हैव इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। एडवांस टैक्स इज पेएबल इन द फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट्स इन केस ऑफ ऑल असेसेस एक्सेप्ट दोज हु आर कवर्ड इन 44 एडी एंड 44 एडीए प्रिजम्पटिव टैक्स। ऑन और बिफोर 15th जून कितना पे करना आपने? नॉट लेस देन 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है। ऑन और बिफोर 15 सितंबर कितना पे करना है? नॉट लेस देन 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस बाय अमाउंट पेड इन द अर्ली इंस्टॉलमेंट इफ एनी। ऑन और बिफोर 15 दिसंबर 75% ऑफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस बाय द अमाउंट पेड इन द अर्ली इंस्टॉलमेंट्स। और 15 मार्च तक कितना पे करना है? 100%, 90% नहीं है, 90% नहीं है, बच्चे एग्जाम में 90% की गलती करते हैं, 90% कहीं नहीं आता, प्लीज इट्स 100%। गलती कहां करते हैं 90% वाली, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, 100% लिखा है। आपको पूरा एडवांस टैक्स पे करना है रिड्यूस बाय द अमाउंट पेड इन द अर्ली इंस्टॉलमेंट्स। सो 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% पे करना है। इन केस ऑफ एलिजिबल असेसी इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस रेफर्ड इन 44 एडी और एलिजिबल प्रोफेशन रेफर्ड इन 44 डी ए, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना था 15th ऑफ मार्च को। मेरा केस देखिए, मैं क्या करता हूं, VGLDI से 4 लाख पर मंथ की प्रोफेशनल इनकम लेता 48 लाख, तो मुझे 44 एडीए मिल जाता है, मेरी रेंटल इनकम आ रही है 50 लाख, तो क्या मुझे एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा इस रेंटल इनकम पर? आंसर इज नो, बिकॉज जो असेसेस 44 एडी में कवर्ड हैं, 44 एडीए में कवर्ड हैं, उनके लिए इंस्टॉलमेंट ऑफ मतलब एडवांस टैक्स मुझे पे तो करना है, बट 15th ऑफ मार्च को पे करना है। नोट देखिएगा, इट मे बी नोटेड दैट एन एलिजिबल असेसी who is governed by section 44 AD or 44 ADA is required to pay advance tax by 15th of March of the previous year irrespective of the fact that he has substantial incomes apart from incomes referred in 44 AD 44 ADA. तो मैं तो अपना advance tax 15 मार्च को ही पे करता हूं,
15 जून 15 सितंबर 15 सितंबर को क्यों पे करूं, उस अमाउंट की एफडी करा देता हूं, एफडी पर इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, टैक्स 30% टैक्स हो जाएगा, फिर भी 70% बचता है मेरे पास। सो मैं एडवांस टैक्स 15 मार्च को ही पे करता हूं, चाहे मेरी सब्सटेंशियल इनकम्स आ रही हैं और, बट लॉ मुझे रिलैक्सेशन दे रहा है। पॉइंट 5, एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ, मैंने बताया था ना आपको कि जो भी आप टैक्स पे करते हैं फर्स्ट अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 फॉर दिस ईयर इज कॉल्ड एज एडवांस टैक्स। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 31 मार्च शैल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ दैट। इसके आगे लिखिए दैट इज सेक्शन 234B, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा 234B, अभी रट लीजिए। लॉ कह रहा है जो भी फर्स्ट अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक टैक्स पे करेंगे आप फॉर द असेसमेंट ईयर, उसे हम एडवांस टैक्स ही कहेंगे। यानी अगर 16 मार्च 2022 को भी आपने टैक्स पे किया फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, इट विल बी कॉल्ड एज एडवांस टैक्स। मैंने पहले इंस्टॉलमेंट ज्यादा जमा कर दी, क्या मैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर सकता हूं? यस। मैंने पहले इंस्टॉलमेंट कम पे की, क्या नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकता हूं ज्यादा? यस। इंटरेस्ट देख लेंगे लग जाएगा आपको। An assessee who pays any installment or installments of advance tax may increase or reduce the amount of advance tax payable in the remaining installments to accord with his estimate of current year income and tax thereon. अब आ जाइए आप इंटरेस्ट अंडर सेक्शंस 234A, B, C, इसको प्लीज लॉजिकली करिएगा। आई कैन गारंटी कभी भी फिर से 14 मार्क्स क्वेश्चन सेट हो कर देगा एग्जामिनर। 234A, B, C किसी भी इंटरेस्ट को निकालने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए होती हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड, किस पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा, अमाउंट, किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा। हम करने जा रहे हैं 234A, ये तो देखिए प्लीज। अच्छा, अभी अपना माइंड सेट करिए कि दैट यू आर, अच्छा एक मिनट प्लीज, एक मिनट। मैंने क्या किया है, मैंने अब जो डिस्कशन करूंगा प्रीवियस ईयर 31 मार्च 21 लेके करूंगा, क्योंकि हम आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज हम सितंबर 21 में बैठे हैं। अगर मैं प्रीवियस या 22 लेता हूं तो हमारी डेट्स एग्जाम्पल में 2024 तक चली जाती है, स्टूडेंट्स को बड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। सो मैंने 234A, B, C के लिए इस मॉड्यूल में प्रीवियस या 21 लिया है ताकि आपको रियलिस्टिक डेट्स लगे, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस या 22 लेता ना फिर क्या होता, असेसमेंट ईयर 22-23 असेसमेंट में कहूंगा कि होती है आपकी 31 दिसंबर 24 तक को होती है, तो बड़ी अनरियलिस्टिक लगती है चीजें। तो मैंने 234A, B, C के डिस्कशन के लिए प्रीवियस ईयर 21 रखा है। लॉ सेम है, प्रीवियस ईयर 21, प्रीवियस ईयर 22, द लॉ इज एग्जैक्टली द सेम।
तो जस्ट बिकॉज एक फीलिंग आ जाए कि हम रियलिस्टिक कर रहे हैं, क्योंकि आज हम सितंबर 21 में हैं, तो अगर हम 22 प्रीवियस ईयर लेते हैं तो हम पहुंच जाते हैं, असेसमेंट होती जाके 31 दिसंबर 24 में, मतलब स्टूडेंट्स को बड़ा ऑकवर्ड लगता है। सो मैंने इस बार मॉड्यूल में समझने के लिए प्रीवियस ईयर 21 रखा है, लॉ फॉर प्रीवियस ईयर 21 एंड प्रीवियस ईयर 22 इज एग्जैक्टली द सेम। सिर्फ आपको एक रियलिस्टिक फीलिंग लाने के लिए मैंने ऐसा किया है। अच्छा, एक बात और, एक क्वेश्चन आप पूछ रहे थे क्लास से पहले, मैंने कहा था कि असेसमेंट या 21-22 के रिटर्न लेट कब तक फाइल हो सकती है? 31 दिसंबर 21 तक। ये फाइनेंस एक्ट 21 की अमेंडमेंट है। इससे पहले रिटर्न फाइल कर सकते थे अप टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न आप फाइल कर सकते थे टिल 31 मार्च 21। सो एक एग्जांपल लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जहां मैंने असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न बोलूंगा, मैंने फाइल किया 1/1/21 को, वो ठीक है। सो आई रिपीट, मैंने 234 ABC को समझने के लिए एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल्स लिए प्रीवियस ईयर 21 के, लॉ फॉर प्रीवियस ईयर 21 प्रीवियस ईयर 22 बिल्कुल सेम है। सिर्फ मैंने इसलिए लिया है 21 कि रियलिस्टिक डेट्स आ जाएंगी, क्योंकि आज हम सितंबर 21 में लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी एक बात और बताइए आपको कि रिटर्न फाइल कर सकते हैं फॉर असेसमेंट 21-22 एंड फ्यूचर असेसमेंट ईयर्स 3 months बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये फाइनेंस एक्ट 21 का चेंज है। पहले, इससे पहले आप रिटर्न फाइल कर सकते थे अप टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट या 2021 के रिटर्न फाइल कर सकते थे 31 मार्च 21 तक। तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक एग्जाम्पल लूंगा जहां मैंने कहूंगा कि असेसमेंट या 2021 की रिटर्न फाइल हो रही है 1/1/21, दैट इज करेक्ट। ओके, 234A का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं, एज्यूम कर लीजिए आप AO है। अच्छा, ये जो सेक्शंस है 234ABC, एक CBDT के चेयरमैन हुआ करते थे N रंगाचारी, जो बहुत इंटेलिजेंट थे और बाद में जाके वो IRDA के चेयरमैन बने, SEBI के चेयरमैन बने। ये लॉ सारा उन्होंने बनाया था, और उन्होंने क्या किया, जब लॉ बनाया तो एक बोर्ड का सर्कुलर निकाला, CBDT सर्कुलर निकाला, जहां 7 illustrations दी, और उन 7 illustrations को आप कर लेंगे तो जिंदगी में कभी मात नहीं खा सकते, जिंदगी में ये सेक्शन भूलेंगे नहीं। उन्होंने बिल्कुल सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स केसेस लिए, वही 7 illustrations मैंने मॉड्यूल में दी हुई हैं, वही 7 illustrations मैंने मॉड्यूल में कॉपी की हुई हैं, करंट ईयर के हिसाब से चेंज करके, करंट लॉ के हिसाब से चेंज करके। सो इस लॉ को हम पूरी तरह से नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, तब जाकर आप ये इलस्ट्रेशंस करेंगे। ये इलस्ट्रेशंस मैंने मॉड्यूल में ली हुई हैं, दे आर कॉपी फ्रॉम दैट CBDT सर्कुलर जहां ये इलस्ट्रेशंस दी गई थी, जहां से ये लॉ समझाया गया था। आप ये इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ये मानते हुए कि आप AO है, असेसिंग ऑफिसर है। हमने 140A सेल्फ असेसमेंट में किया था कि आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करते हुए भी 234ABC पे करना होता है, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एज्यूम कर लीजिए आप AO है, अजम्पशन चेंज मत करिएगा, आप ये इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं।
इंटरेस्ट के लिए तीन चीजें चाहिए, रेट, पीरियड, अमाउंट। ये इंटरेस्ट है 234A, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम 234A। बताइए डिफॉल्ट कब माना जाएगा इस आपके हिसाब से? जब रिटर्न फाइल की आपने आफ्टर द ड्यू डेट गिवन इन सेक्शन 139(1) या फिर रिटर्न फाइल ही नहीं की। तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं आफ्टर द ड्यू डेट गिवन इन सेक्शन 139(1) या फिर रिटर्न फाइल ही नहीं करते। क्लियर है? आप एओ की तरह से इंटरेस्ट लगाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ मानते हैं, पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ मानते हैं। सो सभी इंटरेस्ट के सेक्शंस में पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ मानते हैं। अगर मेरी ड्यू डेट है 31 जुलाई और मैं रिटर्न फाइल करता हूं 1 नवंबर 2021 को, अभी देखते हैं। सो रेट है फिक्स्ड 1% पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ मानते हैं। पीरियड बताइए, पीरियड कब से शुरू होगा आपके हिसाब से? जो ड्यू डेट थी उससे अगले दिन से पीरियड स्टार्ट होगा, जैसे कि 31 जुलाई ड्यू डेट है मेरी, मैंने 31 जुलाई को कोविड अमेंडमेंट्स हम नहीं कर रहे, कोविड एक्सटेंशंस, कोविड अमेंडमेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम, दिस इज क्लेरिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ स्टडीज द ICAI। सो कोविड अमेंडमेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू यू, सो कोविड के जो एक्सटेंशंस आए हैं उनको इग्नोर कर दीजिए, नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जाम। सो पीरियड स्टार्ट करेगा किस दिन से? डेट नेक्स्ट टू द ड्यू डेट 1st अगस्त। तो पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम डेट नेक्स्ट टू ड्यू डेट और पीरियड एंड कब करेगा? जिस दिन आप रिटर्न फाइल करेंगे, सो पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट नेक्स्ट फॉलोइंग द ड्यू डेट नेक्स्ट टू द ड्यू डेट एंड एंड्स ऑन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROI। मेरे इस वाले केस में इंटरेस्ट स्टार्ट होगा 1st अगस्त से, कब तक? 1st नवंबर 2021। कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एक दिन को भी पूरा महीने मानेंगे, 4 महीने का डिफॉल्ट हो गया ये, 4 months। सो द पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट नेक्स्ट फॉलोइंग नेक्स्ट टू द ड्यू डेट एंड एंड्स ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROI। जिस दिन आप रिटर्न फाइल करेंगे उस दिन को भी डिफॉल्ट डे मानते हैं। सो उस दिन तक इंटरेस्ट लगेगा, मेरे एग्जांपल में जो मैंने दिया अभी, अब रिटर्न फाइल हुई 1/11 को, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को पूरा महीना मानेंगे डिफॉल्ट मंथ, एंड्स ऑन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROI। और अगर आपने ROI फाइल ही नहीं की देन एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, रिटर्न फाइल ही नहीं किया आपने, डिफॉल्ट एंड थोड़ी हुआ, डिफॉल्ट ये इंटरेस्ट लगा रहे हैं आप एज एओ बन के इंटरेस्ट निकाल रहे हैं।
एओ के हिसाब से डिफॉल्ट उस दिन एंड होगा जिस दिन वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट करेगा. सो पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट नेक्स्ट टू द ड्यू डेट एंड एंड्स ऑन जहां रिटर्न फाइल किया आपने द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और जहां रिटर्न नहीं फाइल की द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. जिस दिन ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट करेगा उस दिन वो मानेगा आपका डिफॉल्ट कंप्लीट हो गया. अमाउंट लॉ कहेगा जो 143(1) में निकाला गया या फिर 143(3) में निकाला गया, 144 में निकाला गया, 147 में निकाला गया, हर जगह लॉ में 153 भी लिखा हुआ है. फाइनेंस एक्ट 21 से 153 इरेलेवेंट हो गया है. कुछ पुरानी असेसमेंट्स के लिए रेलेवेंट है बट आप लोग छोड़ दीजिए. तो इस पूरे चार्ट में से 153 काट दीजिएगा. मैंने काटा नहीं है क्योंकि अगर बेयर एक्ट पढ़ते हैं आप लोग वहां 153 लिखा हुआ है, बट पूरे चार्ट में से 153 काट दीजिए. सो अमाउंट जो टैक्स कंप्यूटर ने निकाला सॉफ्टवेयर ने 143(1) में, या फिर जो एओ निकालता है 143 में, 144 में, 147 में, इसमें से लेस कर दीजिए क्या जो टैक्सेस गवर्नमेंट के पास आ गए, जो रिलीफ है आपके सेक्शन 89 में 90-91 वो कम कर दीजिए, एडवांस टैक्स कम कर दीजिए, टीडीएस टीसीएस कम कर दीजिए, और मेट क्रेडिट एएमटी क्रेडिट माइनस कर दीजिए. बैलेंस पर आपका 234 इंटरेस्ट लगाया जाए. आज ही मॉड्यूल में पेज 211 234A इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन कब लगता है. सो दिस इंटरेस्ट इज पेबल इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) या फिर रिटर्न फाइल ही नहीं किया आपने. ये हो गया सेक्शन की चार्जेबिलिटी. नेक्स्ट पेज पर आइए, कंप्यूटेशन. रेट है 1% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट, और पार्ट ऑफ द मंथ को हम क्या मानेंगे, फुल मंथ. मैंने नीचे नोट में लिखा हुआ है पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी कंसिडर्ड फुल मंथ. सो रेट इज 1% पर मंथ. पीरियड, पीरियड कब से कमेंस होगा, ड्यू डेट से अगले दिन से. एंड कब होगा, जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर दी, और जहां रिटर्न नहीं फाइल की द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. पीरियड कमेंसेस फ्रॉम द डेट नेक्स्ट फॉलोइंग द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) एंड एंड्स ऑन. पीरियड कब एंड होगा, जहां रिटर्न फाइल किया आपने द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरवाई, और जहां रिटर्न नहीं फाइल किया आपने द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144-147. 153 मैंने हटा दिया वैसे आपसे. तो जिस दिन एओ बेस्ट जजमेंट कंप्लीट करेगा 144-147 में, उस दिन तक का ब्याज लगाया जाएगा. सो पीरियड इज, पीरियड कमेंसेस फ्रॉम द डेट नेक्स्ट टू द ड्यू डेट एंड एंड्स ऑन, जहां रिटर्न फाइल किया आपने द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरवाई, और जहां रिटर्न नहीं फाइल किया आपने डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. अभी 144 मान लीजिए, 147 भूल जाइए, 147 भूल जाइए. सो 147 अभी काटिए, मत इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए.
भाई इतना देखिए 144, जहां रिटर्न नहीं फाइल किया आपने, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, 147 में आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लास्ट में कराऊंगा। पार्ट ऑफ द मंथ विल बी कंसिडर फुल मंथ टैक्स अमाउंट, टैक्स डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 143(1) और ऑन असेसमेंट अंडर सेक्शन 143, 144, 147। इनफैक्ट क्या हुआ था, ओके 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 अमाउंट टैक्स डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 143(1) और ऑन असेसमेंट अंडर सेक्शन 143, 144, 147 लेस रिलीफ अंडर सेक्शन 1990A, रिलीफ अंडर सेक्शन 91, मेट क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट, टीडीएस, एडवांस टैक्स। लॉ यहां रुक जाता था। अगर बेयर एक्ट देखेंगे, बेयर एक्ट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स कम करने के लिए नहीं बोला हुआ। बेयर एक्ट कहता है कि सिर्फ एडवांस टैक्स तक कम करिए। बताइए टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स क्यों कम करा रहे हैं? क्योंकि ये पैसा सरकार को प्रीवियस में मिल गया है। सो अमाउंट होता है जो टैक्स निकाला एओ ने 143(1) में या फिर 143(3), 144, 147 लेस रिलीफ्स, रिबेट्स, मैच क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट, टीडीएस टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। लॉ नहीं कहता कम करिए, लॉ नहीं कहता कम करिए। एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया, पेज 230 पर देखिए, पेज 230 डॉक्टर प्रणव रॉय, ये वही हैं जो एनडीटीवी के ओनर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बाद में जर्नलिस्ट बन गए और फिर अपना टीवी चैनल लगा लिया। डॉक्टर प्रणव रॉय के केस में क्या हुआ कि ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं फाइल कर पाए, ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। सो डॉक्टर प्रणव रॉय ही वॉज नॉट एबल टू फाइल द रिटर्न बाय द ड्यू डेट, बट इन्होंने क्या किया, ड्यू डेट से पहले ही अपना सारा टैक्स जमा कर दिया और रिटर्न फाइल की ड्यू डेट के बाद, यानी जितना टैक्स था वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की तरह जमा कर दिया और रिटर्न फाइल की आफ्टर द ड्यू डेट। अब एओ ने 234A लगा दिया, उसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कम नहीं किया। एओ ने कहा कि लॉ में लिखा नहीं है सेल्फ असेसमेंट टैक्स कम करिए, ये साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, पहले हाईकोर्ट में पहुंचे रिट पिटीशन के थ्रू और फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। हाईकोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ में नहीं भी लिखा तो एक हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ लीजिए, अगर सरकार को जो पैसा मिल गया ड्यू डेट तक उसे लेस करना चाहिए फॉर कंप्यूटिंग द इंटरेस्ट अंडर 234A। सो हाईकोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट सेड कि लॉ में नहीं भी लिखा हुआ तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन यह है कि जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स असेस ने पे कर दिया है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, दैट शुड बी रिड्यूस्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द इंटरेस्ट अंडर 234A। द पेटिशनर हैड अर्न्ड सब्सटेंशियल कैप गेन्स फॉर असेसमेंट इन 1920
फॉर विच रिटर्न वॉज ड्यू टू बी फाइल्ड ऑन 30th September 2019। तो उस समय ड्यू डेट 30 सितंबर हुआ करती थी। हाउएवर टैक्सेस वर पेड ऑन 25/8/19, यानी ड्यू डेट से पहले टैक्सेस जमा कर दिए बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बट द रिटर्न वॉज फाइल्ड ऑन 31/12/19 आफ्टर डिले ऑफ 4 months। दो अंडर द प्रोविजंस ऑफ द रिटर्न इनकम वॉज एक्सेप्टेड ऑन 31/12/20, येट इंटरेस्ट हैज बीन चार्ज अंडर द प्रोविजंस ऑफ 234A बाय द AO ऑन द ग्राउंड दैट टैक्स पेड ऑन 25/8/19 कुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द टैक्स ड्यू ऑन असेसमेंट। AO कहता है जी लॉ में लिखा नहीं है इसलिए मैं कम नहीं करूंगा 234A का इंटरेस्ट निकालने के लिए। द सुप्रीम कोर्ट टुक द व्यू दैट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A इज कंपनसेटरी इन नेचर इफ द असेसे डिपॉजिट्स एंटायर टैक्स ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड फाइल्स अ रिटर्न लेट देन देयर इज नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द सेल्फ असेसमेंट टैक्स इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न देन द सेम शैल ऑल्सो बी डिडक्टेड वाइल कंप्यूटिंग द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। Although Section 234A does not provide for such reduction, but on the basis of harmonious interpretation of law, it should be deducted as per Delhi High Court की जगह Supreme Court कर दीजिए। Supreme Court कर दीजिए, पहले Delhi High Court ने affirm किया था, फिर Supreme Court ने affirm कर दिया। The Supreme Court held it in the present case, since entire tax was paid before the due date of filing of return of income, and although the return was filed late, इंटरेस्ट अंडर 234A विल नॉट बी लेवेड। द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंगली डिलीटेड द इंटरेस्ट अंडर 234A लेवेड बाय द AO। द केस हैज ये मतलब ये बात CBDT ने भी अफर्म कर दी है। तो अब लॉ क्या बन रहा है देखिए। A इंटरेस्ट लगता है अगर रिटर्न आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं पेज 211 या रिटर्न आप फाइल ही नहीं करते पेज 212। इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मदर्स फुल मंथ। पीरियड स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट नेक्स्ट टू द ड्यू डेट और एंड होगा जहां आपने रिटर्न फाइल किया द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROI और जहां रिटर्न नहीं फाइल किया आपने डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अमाउंट टैक्स डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 143(1) और ऑन असेसमेंट अंडर वेरियस सेक्शंस लेस रिलीफ रिबेट मेट क्रेडिट AMT क्रेडिट TDS TCS एडवांस टैक्स लेस। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे आप अगर आपने पे किया है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। हाईलाइट द वर्ड्स पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। नोट सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140A शैल बी डिडक्टेड if it is paid on or before the due date in view of the Supreme Court decision in Dr. Pranav Roy or his Supreme Court decision go CBDT ne bhi affirm kar diya hai। So friends, I told you aaj ki class short hogi because I have to rush for some emergency, so aaj ki class hum yahi rokhenge and next class mein se continue karenge। We'll stop here।